दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है। और इस वक्त देश में जो कोविड चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। मेरा सभी से निवेदन है, आप सब मास्क का प्रयोग करें। और इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की। ताजनगरी आगरा में 90 आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट इस समय वीआईपी सीट बनी हुई है, जहां एक और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य इस सीट पर चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह भी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। एक तरफ गठबंधन प्रत्याशी महेश कुमार जाटव हैं, तो वहीं बसपा की करण केसी के साथ साथ अब की बार दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आम आदमी पार्टी की ओर से इस बार 3 बार के सांसद प्रभुदयाल कठेरिया के पुत्र को आम आदमी पार्टी की ओर से आगरा ग्रामीण विधानसभा पर सीट देकर मौका दिया गया। आगरा में चुनाव की तारीख 10 फरवरी जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी जीत के लिए जनसंपर्क तेजी के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव हृदय चौधरी के द्वारा गाँव-गाँव जाकर जनसंपर्क किया। उन्होंने दयालबाग के सिकंदरपुर सहित दर्जन भर गांव में संपर्क किया और उत्तर प्रदेश में दिल्ली मॉडल की सरकार बनाने के लिए सभी से आह्वान किया और बुजुर्गों को समझाया। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है हृदय चौधरी का और उन्होंने किस प्रकार आम आदमी पार्टी के लिए अपने प्रत्याशी के लिए मतदान करने की जनता से अपील की और अपने पक्ष में वोट मांगे। चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। और मैं प्रदेश सचिव हूँ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ रही है और आज हम आगरा की ग्रामीण विधानसभा में भाई अरुणकांत कठेरिया जी के लिए डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और भारी समर्थन मिल रहा है लोगों का। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, जैसे ही उनको मालूम पड़ता है दिल्ली मॉडल और माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जब नाम आता है तो सभी के चेहरों पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। उन्हें विश्वास है अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाती है तो यहाँ पर बेहतर विकास होता, बच्चों की शिक्षा के लिए, बेहतर इलाज के लिए और जो हमारी सड़क हैं बुनियादी समस्या हैं उनके लिए। सभी व्यक्ति इतने परेशान हैं और वो चाहते हैं किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार बने और हमारे क्षेत्र का विकास हो। क्या लगता है दिल्ली पंजाब के बाद अब यूपी की बारी है, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को आप? देखिए, अब जब भी हमारी आज आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे हैं तो जब लोगों का, जब आम आदमी पार्टी के, आप सोचिए हम लोग बैठे थे कार में और वहाँ का कार्यकर्ता जो क्षेत्रवासी लोग अपने हाथ से पोस्टर लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, तो आप सोचिए उनकी कितनी विश्वास होगा अरविंद केजरीवाल जी पर कि वो खुद अपने आप प्रचार कर रहे हैं कि किसी भी तरह आम आदमी पार्टी आए। और जब हम जाते हैं तो खुद ही अपने आप नारे लगाने लगते हैं आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। ये विश्वास है लोगों का और ये विश्वास ऐसे ही नहीं मिलता है, उन्होंने काम किया है। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा ये कहा है कि अगर मैंने काम किया है तो वोट दीजिए, अन्यथा वोट मत दीजिए। और आपने देखे होंगे उत्तर प्रदेश में जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं तो माननीय संजय सिंह जी ने वो उजागर किए हैं और विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो आम आदमी पार्टी ने निभाई है। और ये बात आज पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी जानती है कि अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है तो विकास पर काम होगा और विकास की राजनीति सेंटर में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया है। आज अन्य पार्टियां भी फ्री बिजली देने की बात करती हैं, आधे रेट कर दिए, ये उपलब्धि किसकी है? आम आदमी पार्टी का। ये चलन किसने किया? आम आदमी पार्टी ने पैदा किया है कि आज सभी पार्टियां विकास पर चुनाव चिन्ह लड़ रही हैं। मैं जहाज़ संपर्क कर रहा हूँ, अभी सवेरे से मेरा दौरा हुआ है लालगढ़ी और सिकंदरपुर, बहुत जन समूह समर्थन मिल रहा है आदरणीय केजरीवाल जी और मेरे 3 बार पिता रहे हैं पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया जी, उनके समर्थन में और केजरीवाल आदरणीय केजरीवाल जी के समर्थन में सभी से संपर्क हो रहा है और अपार हमें समर्थन मिल रहा है जनता की तरफ। पार्टी किस तरीके से देखते हैं आप आगरा में, किस तरीके से? आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी मेरे साथ है, प्रदेश से लेवल के, जिले से सभी मेरे साथ है, पदाधिकारी सभी मेरा सहयोग कर रहे हैं और जन समूह मेरा बहुत आशीर्वाद मिल रहा है।